हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स हम बेसिकली एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स का स्टार्ट करते हैं तो बेसिक क्या होता है की हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होते हैं वो दो टाइप में होते हैं या तो वो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा या वो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होगा ओके सो so, दो टाइप में होते हैं या तो आईधर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं तो बेसिक सिक्स ऑपरेशन होते हैं जो हमारे इसमें कवर करेंगे उन सिक्स ऑपरेशन में क्या होता है थ्री ऑपरेशन जो होते हैं वो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के होते हैं थ्री होते, है, तो, तो, होते हैं कॉलम के तो टोटल सिक्स होते हैं सो हम ऑपरेशन समझते हैं क्या है पहला ऑपरेशन होता है हमारा इंटरचेंज ऑफ एनी रोज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स तो हमारा जब हम इनवर्स बेसिकली इसमें हम एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या करते हैं बेसिकली हमें एक मैट्रिक्स ये होता है और हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के करके जो हम ऑपरेशन अभी समझ रहे हैं उन ऑपरेशन को परफॉर्म करके हमें उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होता है ठीक है सो so, अभी हम रेस्ट क्वेश्चन जब करेंगे ना तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में मैं ये बता रही हूँ की आप ऑपरेशन समझ लो जो जो हमें ऑपरेशन निकालने तो बेसिक हमारे पास सिक्स ऑपरेशन होते हैं जिसमें से थ्री ऑपरेशन रो के होंगे और थ्री कॉलम के होते हैं तो पहला ऑपरेशन जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा इंटरचेंज किसी भी दो रोज का या दो कॉलम्स का सो बेसिकली क्या होता है कि लेट्स हमें गिवन आर आई और आर जे हम दो कॉलम दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं या हम दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं ये हमारा पहला ऑपरेशन होता है तो हम एक मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं जिससे आपको समझ आएगा लेट्स टेक एक मैट्रिक्स ए वन थ्री टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ए लेते हैं हम तो अगर हमें इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स का हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम कैसे करेंगे लेट्स टेक कि हमें मैट्रिक्स को कुछ करके हमें क्या करना है हमें फोर को ऊपर लेना है और वन को हमें नीचे करना है तो हम क्या करेंगे हम बेसिकली हम रो वन और रो टू को इंटरचेंज कर देंगे ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारा क्या रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए आएगा आएगा कि हमारा रो टू और रो वन इंटरचेंज हो जाएगा तो पहला रो हो जाएगा हमारा फोर फाइव सिक्स एलिमेंट्स के साथ और रो टू हो जाएगा वन टू थ्री के साथ सेवन एट नाइन तो ये हमारा रो वन और रो टू इंटरचेंज हो गया सिमिलरली अगर हमें कॉलम वन और कॉलम टू को इंटरचेंज करना है तो हमें कुछ नहीं करना हमारा जो कॉलम टू है वो कॉलम वन बन जाएगा और कॉलम वन हमारा कॉलम टू बन जाएगा तो ये हमारे पहले दो ऑपरेशन थे इंटरचेंज करना दो रोज को या इंटरचेंज करना दो कॉलम्स को जो हमारा दूसरा ऑपरेशन है वो है हमारा कि हमें मल्टीप्लीकेशन करना है किसी भी रो का या कॉलम का एक नॉन जीरो नंबर के साथ ठीक है तो ये बेसिकली इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम समझते हैं वो ये होता है हमारा कि हमारे को एक रो है एक आई रो को हमें क्या करना है उसको हमें एक नॉन जीरो एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है कोई भी कॉन्स्टेंट के तो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा के जो है हमारा कोई भी कॉन्स्टेंट है इज एनी कॉन्स्टेंट सिमिलरली कॉलम में भी सेम है किसी भी कॉलम को हमें एक कांस्टेंट एलिमेंट के साथ के के साथ मल्टीप्लाई करना है ठीक है तो हम एक मैट्रिक्स लेते हैं फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली ऊपर वाला मैट्रिक्स सेम ले ले लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन एट नाइन तो अब हमें क्या करना है हमें जस्ट चाहिए कि हम जब इन्वर्स परफॉर्म कर रहे हैं इन्वर्स परफॉर्म करते हुए हमें क्या करना है हमें इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट को हमें जैसे फोर चाहिए सेम करना है हमें सेकेंड तो हम क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे हम फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स को फोर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा आर वन आर वन टेंस टू फोर टाइम्स ऑफ आर वन ये इसको हम टेंस टू बोलते हैं ऐसे ही जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तब तो हम एरो के साथ करते हैं लेकिन अगर हमें उसको बोलना है किसी वे में तो हम इसको टेंस टू बोलते हैं तो आर वन टेंस टू फोर आर वन मतलब आर वन के सारे एलिमेंट्स फोर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारा क्या रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकलेगा ए निकलेगा हमारा फोर एट ट्वेल्व फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकलेगा सिमिलरली कॉलम के लिए करना है अगर हमें चाहिए कि हमारा जो ये है हमें इस एलिमेंट के सारे कॉलम को टू से मल्टीप्लाई करना है तो हमें सी टू को हमें हर कॉलम सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट्स ओके सो आई होप आपको ये दो भी ऑपरेशन क्लियर हो थर्ड ऑपरेशन जो हमारा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहूंगी बट ये बेसिकली हमारा सेकेंड जो हमने अभी ऑपरेशन पढ़ा मल्टीप्लीकेशन का उसी का थोड़ा डिफरेंट फॉर्म है ओके okay? बट उसी से डिराइव टाइप है तो थर्ड ऑपरेशन है हमारा जब एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो नंबर तो बेसिकली इसमें हमारा एडिशन भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और साथ में हमारा मल्टीप्लीकेशन भी परफॉर्म हो रहा है तो so, इसका जब हम स्टैंडर्ड मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लिखेंगे आर आई आर आई टेंस टू आर आई प्लस के आर जे तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली हम एक रो एक रो को दूसरी रो के साथ ऐड कर रहे हैं और जो दूसरी रो हम ऐड कर रहे हैं उसको हम साथ में एक कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ओके okay. सो so, एक एग्जाम्पल सिमिलरली कॉलम के साथ भी यही है सी आई टेंस टू सी आई को हम किसी और कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब ऐड कर रहे हैं जो एक कॉलम के साथ एक कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ओके okay. सो so, दोबारा हम वही मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ओके तो हमें क्या परफॉर्म करना है हमें जैसे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि हमें आर टू को आर टू को हमें एड करना है आर वन के साथ और आर वन हमारा मल्टीप्लाई होना चाहिए टू के साथ ठीक है तो हमारा क्या बनेगा वह आर टू रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए हमारा बनेगा वन टू थ्री तो सेम रहेगा क्योंकि हमारा रो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए रो टू पे हम रो टू पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो रो टू को क्या कर रहे हैं हम आर वन के साथ रो वन के साथ एड कर रहे हैं और जो रो वन को हम पहले टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो हमारा रो टू के साथ एड होगा तो हमें क्या करना है रो वन को टू के साथ मल्टीप्लाई करना है तो टू वन टू और टू को आपको फोर के साथ एड करना है तो सिक्स सिमिलरली टू टू फोर और फाइव में फोर एड करना है नाइन थ्री को हमें टू के साथ मल्टीप्लाई करना है सिक्स सिक्स को सिक्स के साथ एड करना है ट्वेल्व रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारा ए आ गया ओके सो आई होप आपको ऑपरेशन समझ आए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं एक क्वेश्चन के साथ एग्जाम्पल में आपको परफॉर्म करके दिखाती हूँ तो आपको और इजिली क्लियर हो जाएगा ओके okay. सो so हमें एक क्वेश्चन गेवन है बेसिकली जब भी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन आएंगे हमेशा सेम ही क्वेश्चन आएगा आपको एक मैट्रिक्स गेवन होगा आपको एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है तो आपको उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले मैं आपको यह समझाना चाहती हूँ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में यह फर्क होता है कि आपको कभी कभी बोर्ड में गिवन होता है जैसे इसमें आपको ये नहीं गिवन कि आपको एलिमेंट्री रो परफॉर्म करना है या कॉलम परफॉर्म करना है इस केस में आप क्या कर सकते हो कुछ भी यूज कर सकते हो जो आपको ईजी लगता है कभी कभी ये होता है कि आपको गिवन होता है कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वो आपको स्पेसिफिकली गिवन होगा कि आपको क्या करना है अगर आपको गिवन है कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है तो आपको सिर्फ रोज पे ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि आपको रोज को इंटरचेंज करना है रोज को एड करना है ऐसे करना है तो सारे रोज के में ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो आप कॉलम में नहीं कर सकते तो अब अब ये हम क्या करते हैं हम रो वाला लेते हैं अभी हम करेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन रो ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन बोलो या ऑपरेशन बोलो सेम ही है तो अब हमें क्या करना है हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो मैं आपको सिखाती हूँ क्या करना है हमें बेसिक हमारा क्या फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू आई ए क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा हमारा इन्वर्स निकालने में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज होता है बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स ही देता है ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स जब बताए था लास्ट कुछ वीडियोज में तब मैंने आपको ये कंसेप्ट क्लियर किया था तो अब हमें क्या करना है हमें ए मैट्रिक्स गिवन है हमें सीधा ए मैट्रिक्स लिखना है लेफ्ट हैंड साइड पे इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि हमारा जैसे ही हमारा टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स है तो अब हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू क्रॉस टू का ही होगा बना सेम ऑर्डर का बनेगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि क्या होता है कि डायगनल एलिमेंट्स वन होते हैं और नॉन डायगनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं हमारे और इज इक्वल टू ए अब आपको क्या करना है ये आपने लिख दिया अब आपको क्या करना है आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं जैसे हमने रो लिखा तो हमें रो के एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और इसका इनवर्स निकालना है ओके सो इनवर्स निकालना है हमें तो हमें क्या करना है हमें यहाँ पे इस ए मैट्रिक्स जो हमें गिवन है उसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में लेकर आना है और जब हम रोज ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे हम जब इसको आइडेंटिटी में लाएंगे यहां पे भी चेंजेस आएंगे तो फिर जब हमारा ये एलिमेंट जब हमारी लेफ्ट एंड साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगी तो जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो हमारा इन्वर्स होगा ए का ए इन्वर्स होगा ओके सो so, लेट स्टार्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना सेम तो हम क्या करते हैं हम कॉलम्स के अकॉर्डिंग चलते हैं पहले कॉलम से स्टार्ट करते हैं पहले कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ऑलरेडी वन है हमारा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वन ही जरूरत होती है तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे अभी सेकेंड हमारा एलिमेंट देखो टू है हमें क्या चाहिए जीरो तो अब हमें कुछ भी करके टू को यहाँ पे जीरो बनाना है तो हम क्या करेंगे हम क्या कर सकते हैं हम आर टू टेंथ टू आर टू माइनस टू आर वन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं पहले रो को हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा टू हो जाएगा और जब हम टू को टू से माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा इसी तरीका क्या कर सकते हो आप बेसिकली आप आर टू को ना यहां आप क्या कर सकते हो आर टू को आप आर टू डिवाइडेड बाय टू भी कर सकते हो तो बट फिर तब क्या होगा आपका आपका यहाँ पे वन बन जाएगा तो वन बनने के बाद क्या होगा फिर आप आर वन को आर टू के साथ माइनस करोगे तब भी जीरो आएगा तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा कि आपको दो स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ रहे हैं इस केस में इसके एक ही स्टेप में आपका यहाँ पे जीरो आ जाएगा तो हम क्या करते हैं करते हैं हम आर टू को पहले टू आर वन को टू से मल्टीप्लाई करके फिर रिजल्टेंट जो आएगा उसको आर टू से माइनस करना है तो ये हुआ हमारा वन टू आर वन में चेंज नहीं टू में तो टू आर वन टू टू माइनस टू जीरो अब यहाँ पे हमारा देखो क्या है हमारा इधर मैं आपको करके दिखाती हूँ हमारा आर टू ओरिजिनल आर टू की वैल्यू है माइनस वन माइनस टू आया हमारा और आर वन क्या है हमारा टू तो माइनस वन माइनस फोर तो आया हमारा माइनस फाइव तो यहाँ आया माइनस फाइव तो ये नहीं कि सिर्फ आपको एलएचएस में परफॉर्म करना है आपको आरएचएस में भी परफॉर्म करना है तो आरएचएस का क्या होगा वन जीरो तो सेम रहेगा और यहाँ पे क्या होगा जीरो माइनस टू माइनस टू एंड वन माइनस तो ये तो जीरो ही है। तो यह आएगा वन ये हुआ आपका पहला एलिमेंट्री रो फॉर्म तो आपका पहला कॉलम तो सेम हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही इक्वल देखो अब हमें क्या करना है हमें माइनस फाइव को वन करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वन होता है डायंगल एलिमेंट दूसरा तो माइनस फाइव कैसे हो सकता है क्या करोगे आप आटू को आर टू को आप डिवाइड कर दोगे मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ माइनस वन बाय फाइव के साथ ठीक है ताकि माइनस फाइव में माइनस माइनस साइन कट जाए और फाइव और फाइव कटेगा तो वन आ जाएगा ठीक है तो वन टू जीरो तो जीरो ही रहेगा और ये आपका वन हो गया सिमिलरली यहां पे करो वन जीरो सेम यहाँ पे माइनस हुआ है तो माइनस टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये हुआ आपका टू बाय फाइव और ये हुआ आपका माइनस वन बाय फाइव क्योंकि वन है तो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वन बाय फाइव ही रहेगा और ये ए तो आपका ये भी हो गया बस आपको क्या करना है इसको जीरो करना है अब जीरो कैसे करोगे सिमिलरली जैसे हमने ऊपर किया था यहाँ पे सेम ही हम क्या करेंगे बस हमें आर वन को क्या करना है आर वन माइनस टू आर टू जब तो हम यहाँ पे टू के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ऊपर जीरो आ जाएगा तो करते हैं वन जीरो जीरो वन तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया अब सिमिलरली यहां पे भी परफॉर्म करना है ऑपरेशन क्या है आपका ओरिजिनल में आर वन वन माइनस टू और आर टू क्या है टू बाय फाइव तो निकालते हैं वन माइनस फोर बाय फाइव तो अब इसको वो करोगे तो आपका आ जाएगा वन बाय फाइव तो ये हुआ वन बाय फाइव ये तो टू बाय फाइव ही रहेगा क्योंकि आर टू सेम है माइनस वन बाय फाइव और एक जीरो का ये वाला निकालना है लिमिट ओरिजिनल जीरो है माइनस टू और आर टू क्या माइनस वन बाय फाइव माइनस वाइनस कैंसल टू बाय फाइव तो ये है वो आपका टू बाय फाइव और ए ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आ गया ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया ये ए है तो आपको पता है ए ए इनवर्स जो होता है वो आई के इक्वल होता है तो ये ए है तो ये आपका आया ए इनवर्स तो आपका इनवर्स क्या है मैट्रिक्स का ए इनवर्स है आपका वन बाय फाइव टू बाय फाइव टू बाय फाइव एंड माइनस वन बाय फाइव ओके सो ये आपका इनवर्स आया तो आपको इस टॉपिक में ऐसे ही करना है अभी मैंने रो का करा आप कॉलम का ट्राई करके देखो अगर कुछ भी डाउट होता था कमेंट सेक्शन में लिखो वीडियो में हम इसी के एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए ओके सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस टॉपिक प्लीज राइट ऑन इन द कमेंट सेक्शन Okay, uh, don't forget to like the video and subscribe to the channel in case you haven't done it. Thank you.